नमस्कार दोस्तों, अगर आपको भी अपनी हथेली का विश्लेषण करवाना है तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। इन्होंने अपनी एज बताई थी 30 वर्ष। सवाल इनके थे कि गवर्नमेंट जॉब नहीं लग रही है, प्राइवेट जॉब में परमानेंट नहीं हो पा रहे हैं, क्या स्थिति रहेगी जीवन में, क्या इनको जीवन में आगे करना रहेगा। देखिए, गवर्नमेंट जॉब की जितनी भी रेखा होती है यहाँ पर देखी जाती है, यहाँ से सूर्य पर्वत से उनको देखा जाता है। यहाँ पर आपके हाथ में मैं देख पा रहा हूँ सूर्य पर्वत पर मल्टीपल सूर्य रेखा है और एक मजबूत सूर्य रेखा जो कि अच्छी सरकारी नौकरी के लिए चाहिए होती है या फिर बड़े लेवल की पावर अथॉरिटी पोजीशन के लिए चाहिए होती है। गवर्नमेंट प्राइवेट जॉब में उस प्रकार की रेखा नहीं है, तो ऐसा रहेगा कि आपको अपनी जिंदगी में सबसे पहले करनी पड़ेगी सूर्यदेव की रेमेडीज। सूर्यदेव को प्रसन्न करना रहेगा। किस प्रकार सूर्यदेव की रेमेडीज की जाती है मैं आपको पर्सनली डिटेल पहुँचा दूंगा, तो वो करेंगे अच्छा लाभ मिलेगा। यहाँ पर मैं आपके देख पा रहा हूँ, यहाँ पर आपकी जो भाग्य की रेखा है, अभी आप 30 वर्ष के हैं तो आप अभी आप भाग्य के मामले में इस पड़ाव पर हैं। यहाँ पर आपका भाग्य सही है, जिसे मैं कह रहा हूँ सही अभी चल रहा है, लेकिन आगे चल के आपको जीवन में और नुकसान, भाग्य में उन्नति ना होना, जो जॉब है उसमें परमानेंट ना रहना, गवर्नमेंट ना निकला, या फिर मान सकते हैं फाइनेंशियल तंगी आना, ऐसे भी संकेत मैं आपके हाथ में देख पा रहा हूँ ना रहेगा। क्यों? क्योंकि आपके हाथ में एक भाग्य रेखा है और कोई मजबूत साइन भी नहीं है, और ये भी बाद में आप देख पा रहे हैं ऐसे चली, ये हल्की पड़ती जा रही है, ये जैसे जैसे आगे बढ़ी है और हल्की होती चली गई है और यहाँ पर पहुँचते पहुँचते ये बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। तो देखिए, भाग्य रेखा की ये अवस्था अच्छी नहीं होती, बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती। ये व्यक्ति को कहीं ना कहीं प्रॉब्लम, संघर्ष में डालती है। बुढ़ापे में व्यक्ति को समस्या आती ही आती है जब हाथ में ये रेखा रहती है। इसके साथ साथ जो आपका शुक्रदेव है, शुक्रदेव पर इस प्रकार भी ये आड़ी रेखाएं हैं, या आपको पारिवारिक समस्या, फैमिली में प्रॉब्लम्स, वैवाहिक जीवन में समस्या, कहीं ना कहीं मित्रों और रिश्तेदारों में बात न बनना, ऐसी संकेत भी आपके हाथ में देख पा रहा हूँ। बाकी शुक्र अच्छा है तो सुख सौदौ पर काफ़ी पैसा खर्च होगा, लग्जरियस चीज़ों के शौकीन रहेंगे, आगे बढ़ना, टेक्नोलॉजी यूज़ करना, ब्रांडेड कपड़े पहनना, ये आदतें आपके अंदर देखी जाती हैं। यहाँ पर आपके हाथ में प्रॉपर एक वी का साइन इस प्रकार बना हुआ है, भाग्य रेखा 2 से टूटी है, यहाँ पर चली गई है। बुढ़ापे में संतान द्वारा सेवा रहेगी, जितने भी ट्रैवल करेंगे, जिस भी उद्देश्य से ट्रैवल करेंगे वो सारे उद्देश्य जीवन में पूर्ण होंगे। ट्रैवलिंग करें आप बिजनेस के सिलसिले से या फिर जॉब के सिलसिले से, किसी भी सिलसिले से अगर आपने ट्रैवलिंग की उसमें आपको बढ़िया लाभ मिलेगा। यहाँ पर मैं आपके हाथ में देख पा रहा हूँ आपका जो चंद्र पर्वत है, चंद्र पर्वत भी अच्छी अवस्था में, इस प्रकार के जब चंद्रदेव किसी के हाथ में होती है ये आपको अच्छा मान सम्मान, अच्छी सुख शांति। देखिए, चंद्रमा होते हैं मन के कारक, तो मन से शांति मिलती है सबसे पहला। दूसरा जल तत्व के मालिक होते हैं तो व्यक्ति को नदी किनारे, झरने, तालाब किनारे बैठकर शांति अनुभव होता है। कहीं ना कहीं स्त्री जाति का संबंध भी बढ़िया देती है, घर में माता जी, बहन जी, धर्मपत्नी साथ इमोशनल अटैचमेंट भी रहेगा और अच्छा प्रभाव आपको चंद्र का मिलेगा। यहाँ पर आपके हाथ में जो भारी मंगल है, भारी मंगल भी बढ़िया अवस्था में, इस प्रकार का भारी मंगल आपको पराक्रमी बनाएगा, साहसी है नेचर से, समस्याओं से लड़ना जानते हैं, समस्याओं से लड़कर जीत कर कैसे समस्या को काटा जाए ये भी जानते हैं। कम्युनिकेशन स्किल्स बढ़िया रहेगी, लोगों से बात करने का तरीका आपको पता होगा, दबाव को किसी भी तरह के कैसे भी दबाव को झेल पाते हैं, ये चीज रहेगी। मान सकते हैं व्यक्ति दबाव में रहकर बहुत अच्छा काम करता है, किसी भी समस्या को कैसे भी दबाव, कोई भी दबाव डाले, दबाव में रहकर बढ़िया काम कर पाएंगे। यहाँ पर जो आपका भारी मंगल है, भारी मंगल पर छोटी छोटी राहु रेखा है, लेकिन ये इतनी नाम मात्र है कि आपको उसके उपाय करने की भी जरूरत नहीं रहेगी। बहुत छोटी छोटी मंगल रेखाएं हैं और ये राहु की तरफ जा रही हैं, थोड़ा दिक्कत देंगी आपको, लेकिन इसके भी आपको ना के बराबर उपाय होते हैं, वो मैं आपको दे दूंगा। जो आपका अंदरूनी मंगल है, अंदरूनी मंगल पर बढ़िया ये साइन है, इस प्रकार का जब अंदरूनी मंगल होता है तो आपको अपने जीवन सबसे पहले फिजिकल एनर्जी यानी आपकी शारीरिक क्षमता बनी रहेगी, बिना खाए भी घंटों काम कर सकते हैं, ज्यादा काम करके थकान महसूस नहीं हो करेगी। शारीरिक क्षमता में किसी प्रकार की कोई कमी दिक्कत में आपके हाथ में नहीं देख पा रहा हूँ। बुढ़ापे में शरीर साथ देगा, बुढ़ापे में थकानवट हो जाना या फिर शरीर का साथ टूट जाना या फिर शरीर का साथ न देना, ये समस्या कोई भी नहीं आएगी। गुरुदेव बृहस्पति जो है आपके हाथ में, वह अच्छी अवस्था में मुझे सब प्रतीत हो रहा है कि यहाँ पर क्रॉस का आकृति बन रही है, स्क्वायर का साइन इस प्रकार से। देखिए, जब गुरुदेव बृहस्पति पर यह आकृति बन जाए ये अच्छा भी सुख होता है, ये व्यक्ति को कहीं ना कहीं बहुत अच्छे संकेत देता है, जीवन में शुभ परिणाम मिलते हैं, धार्मिक और आध्यात्मिक व्यक्ति का जीवन रहता है, किसी धर्म के प्रति काफी ज्यादा जागरूक रहता है, अध्यात्म बहुत करता है, मेडिटेशन करने पर इस ग्रह को मजबूत किया सकता है, कहीं ना कहीं भगवान भोलेनाथ की आराधना इस पर्वत को मजबूत करती है और व्यक्ति को अपने जीवन में शुभ परिणाम मिलते हैं। यहाँ पर जो आपका शनि पर्वत है, शनि पर्वत पर इस प्रकार मैंने जैसे बताया, शनि पर्वत पर आकर भाग्य रेखा खत्म हो गई है, तो कहीं ना कहीं ऐसे चांस हैं कि आप अपने जीवन में आने वाले समय में कुछ ऐसे कर्म करें जो खराब करने के कार्य आप खुद ही कर बैठे, ऐसी समस्या नहीं होनी चाहिए। मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि इस एज में आकर लगभग 40 से 50 के बीच में आपको फाइनेंशियल स्ट्रगल झेलना पड़ सकता है
उसके बाद और ज्यादा फाइनेंशियल स्ट्रगल झेलना पड़ सकता है, क्योंकि शनि पर तो भाग्य रेखा नहीं पहुंची है, तो कहीं ना कहीं जीवन में सक्सेसफुल ना हो पाना ऐसे संकेत भी हैं। लेकिन डरना नहीं है कि मैंने कह दिया तो ऐसा कुछ नहीं होगा, बस ये चीज़ रहती है, देखिए रेखा बदल जाती है, कर्म के अनुसार रेखा बदलती है, ये रेखा में बदलाव आएगा, ये रेखा आगे बढ़ेगी, ये इस प्रकार सीधी पहुंचेगी, कब पहुंचेगी जो मैं उपाय दूंगा उसके बाद। सूर्य पर्वत जैसे बताया, सूर्य पर्वत भी अच्छी अवस्था में नहीं है, सरकारी नौकरी लगने के कोई योग नहीं देख पा रहा हूँ मैं, आगे चल के उपाय करने का 3 से 4 साल तक अगर योग बनते तो बहुत वेल एंड गुड, अच्छी बात रहेगी, लेकिन अभी के हिसाब से आपके हाथ में गवर्नमेंट जॉब के किसी प्रकार के किसी भी योग नहीं देख पा रहा हूँ। बुध पर्वत जो है आपके हाथ में अच्छी अवस्था में भी, ये नॉर्मल कहूंगा ऐसे भी, तो परिश्रमता अच्छी होगी, वाणी पर पूरा कंट्रोल रहेगा, अब व्यक्ति अपने बड़े जनों के गुरुजनों का मान सम्मान करता है और व्यापारिक क्षमता बेहतरीन होती है, अपने पैसे का सदुपयोग कर पाएंगे जीवन भर। धनुषाकार रेखा बनते बनते रह गई है, ये धनुषाकार रेखा अगर बनते बनते रह जाए तो फिर आपको ये कहीं ना कहीं, व्यक्ति समझदार तो होता है लेकिन इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज या फिर सही समय पर लिए गए सही निर्णय को व्यक्ति छोड़ देता है, फिर बाद में दिक्कत होती है कि मैंने अगर सही टाइम पर निर्णय ले लिया होता तो ज़्यादा अच्छा रहता, तो ये चीज़ आपके हाथ में रहेगी। बाकी आपके हाथ में देख पा रहा हूँ ये जो धनुषाकार रेखा का पूरी बन जाती तो काफ़ी अच्छा लाभ मिलता, लेकिन आपके हाथ में जो आपकी राशियां हैं बहुत सुंदर हैं, मेष वृषभ मिथुन ये 2 राशियां होती हैं, कर्क सिंह कन्या तुला वृश्चिक धनु मकर कुंभ मीन, ये 2 राशियों की जो फैलाइंज है इस पर सीधी सीधी खड़ी रेखा है, तो एक अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी आपको रहेगी, अपनी बातों के द्वारा लोगों को प्रभावित कर पाएंगे, व्यक्ति हर तरह की परिस्थिति में ढलने लायक होता है, ये रेखा पैसा जोड़ने में प्रॉब्लम देती है, जहाँ पर गैप बन जाता है नीचे या छोटा छोटा, यहाँ पर जो आपका अंगूठा है इस पर रेफ का साइन बना हुआ है, ये आपको इंस्टीट्यूशन जैसी चीज़ें देगा जीवन में, मान सकते हैं कि आपको अपने जीवन में सपने के द्वारा चीज़ों को पता लग जाना, अगर ये पूरा बनता तो पैसे का मैनेजमेंट भी बड़ा अच्छा हो पाता व्यक्ति के जीवन में। और जो आपकी पिंकी फिंगर है ये सूर्य की उंगली के फर्स्ट लाइन तक नहीं पहुंचे, थोड़ी सी छोटी रह गई है, तो पार्टनरशिप के जैसे को मत करिए, आपको फायदा मिलेगा, वैसे परिश्रमता अच्छी तो किसी तरह का व्यापार चल जाएगा, और ये उंगली अगर छोटी पड़ जाए तो आपको अपने जीवन में सबसे पहले ध्यान रखिएगा बातों को दबा कर रखना, उनमें बेचैनी हड़बड़ाहट, अपनी बातों को सही लोगों के सामने ना कह पाना, ये स्थिति आपके जीवन में आएगी, इस पर काम कीजिए, खुद ब खुद अगर काम करेंगे तो अच्छा लाभ मिलेगा। इसको और शुभ बनाने के लिए ऐसे व्यक्तियों को पिंकी फिंगर यानी इस वाली उंगली का नाखून बढ़ाकर रखना चाहिए, जिससे कुछ तो ये इसका 10% प्रभाव मिलेगा, लेकिन ये वाला नाखून बढ़ाकर रखना चाहिए, फायदा मिलेगा आपको अपने जीवन में। गुरु की उंगली सूर्य की भी बढ़िया है, तो सीक्रेटरी टाइप पर्सनलिटी सेंसिटिव पर्सनलिटी व्यक्ति की अपने जीवन में रहती है। यहाँ पर अगर आपकी हृदय रेखा पर आएंगे, हृदय रेखा बढ़िया है, हृदय रेखा में से एक रेखा निकल कर ये भाग्य रेखा को काट रही है, ये आपको 44% इन्वेस्टमेंट करवाएगा, अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट आपको इस एज में जा सकता है। थोड़ी बहुत इमोशनल हर्ट की प्रॉब्लम हो सकती है, धोखा खा जाना, रिलेशनशिप में चीट हो जाना, कहीं ना कहीं व्यक्तियों के जीवन में मान सकते हैं गुस्से की समस्या आना और निराश रहना, और ये प्रॉब्लम आपको रहेगी काफ़ी समय तक रहेगी, लेकिन बुढ़ापे में ये ठीक हो जाएगी, और आपकी जो हृदय रेखा है इसमें कोई भी परेशानी दिक्कत वाली बात मैं नहीं देख पा रहा हूँ। आपके हाथ में एक परेशानी और है, जो आपकी मस्तिष्क रेखा है वह जीवन रेखा से हटकर चली है। देखिए जब मस्तिष्क रेखा जीवन रेखा से हटकर चलती है, व्यक्ति को जिद्दी बनाती है, थोड़े क्रेजी एडवेंचर होते हैं, रिस्की होते हैं, रिस्क लेते हैं और रिस्क लेकर नुकसान खाते हैं, फिर जाकर समझ में आती है कि रिस्क नहीं लेना होता, मतलब ऐसे भी इतने जिद्दी होते हैं कि अपनी जिद को पूरी करवाने के लिए किसी से भी लड़ना भिड़ना जानते हैं, और कहीं ना कहीं आपको ये अपने मन का मालिक बनेगी, इंडिपेंडेंट सोच रहेगी, अपने लाइफ के डिसीजन लेना खुद पसंद करेंगे, अगर कोई दूसरा डिसीजन टांग अड़ाएगा तो फिर व्यक्ति कोलैप्स हो जाता है, अपनी फैमिली को टॉप प्रायोरिटी देता है, लेकिन इसके अलावा बाकी सब नेगेटिव प्रभाव भी मिलते हैं। जीवन रेखा आपकी बढ़िया है, परमात्मा ने आपको बढ़िया जीवन दिया है, जितना भी जीवन आपको परमात्मा ने मिला सब सुखद पूर्ण जाएगा, उसमें जीवन में बड़ी बीमारी, बड़ी दिक्कत, बड़ी टेंशन, बड़ी परेशानी, बड़ी फैमिली प्रॉब्लम, बड़ी फाइनेंशियल प्रॉब्लम ऐसा कोई योग नहीं है। जीवन पर भी 2 से 3 रेखाएं बनी हुई हैं, 2 रेखा मिलनी है, 3री रेखा हल्की हल्की जा रही है, तो कहीं ना कहीं ये आपको एक समय पर स्टेबल होने में परेशानी देगी, लेकिन 2 रेखा पूरी तरह स्टेबल हो जाएंगे एक समय पर आकर अच्छे तरीके से। और यहाँ पर मुझे ऐसा आभास हो रहा है कि मनी ट्रायंगल की आकृति भी पूरी पूरी बन रही है, लेकिन मनी ट्रायंगल यहाँ से टूट गया है। देखिए जब मनी ट्रायंगल बीच में से टूट जाए तो ये व्यक्ति को परेशानी में डालता है, 100% की परेशानी में रहता है, क्या व्यक्ति के पास पैसा तो बराबर आएगा लेकिन वो रुकेगा, सेव होगा, इन्वेस्ट होगा, इसकी गारंटी नहीं होती, व्यक्ति पैसा जल्दी खर्च करता है, जितना तेजी से पैसा आता है उतनी तेजी से पैसा व्यक्ति के पास से चला जाता है, तो ये चीज़ आपके हाथ में रहेगी। और जिस दिन ये मनी ट्रायंगल पूरा बन गया आपको बहुत सारे शुभ परिणाम देगा जीवन में, बड़ी भाग्य देखिए ये और आपको लेकर जाएगा। यहाँ पर जो आपके हाथ में देख पा रहा हूँ एक ग्रेटर मैन ट्रायंगल भी बनते बनते हल्का सा रह गया, इस प्रकार ये यहाँ से खुल रहा है शायद, ये हाँ जी यहाँ से खुल रहा है, इस प्रकार बंद हो जाता तो
ग्रेटर मैन ट्रायंगल था ये बड़ी लेवल की पॉवर्टी आपको देने वाला था, लेकिन यहाँ पर जो बुद्ध की रेखा में भी टूट टूट पर चल रही है तो बुढ़ापे के अंदर स्वास्थ्य की समस्या आपको रहने वाली है। इसके लिए आपको योगा मेडिटेशन एक्सरसाइज और मानसिक में जिम जाना स्टार्ट करना चाहिए। ऐसे कार्य करते हैं तो बढ़िया लाभ आपको अपने जीवन में इन सारी चीज़ों को देखते हुए मिल जाएगा। यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ कि आपके हाथ में बड़ी समस्या कोई नहीं है, यहाँ पर एक ट्रायंगल भी बना हुआ है। ये ट्रायंगल जब होता है तो व्यक्ति में प्रॉपर्टी आती है, 100% प्रॉपर्टी आएगी। यहाँ पर एक ट्रेवलिंग लाइन भी है, राहु की ओर जा रही है, ये आपको गुस्से की समस्या देगी। गुस्से में व्यक्ति अपना आपा खो बैठता है और कुछ गड़बड़ कर देता है। बुढ़ापे में एक प्रॉपर्टी आएगी, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ट्रैवलिंग के चांस है, तो बुढ़ापे में अच्छा खासा ट्रैवल भी करेंगे। जो ट्रैवलिंग लाइन है वो अच्छी दिख रही है आपके हाथ में, तो ट्रैवल करके दान द्वारा पूर्ण सेवा और ट्रैवल अच्छा खासा रहेगा। तीर्थ यात्राओं पर जाने के हाथ में पूरे पूरे योग हैं बुढ़ापे के अंदर। तो मैंने आपके पाम का एनालिसिस पूरा कर दिया है, आपके पाम की हेल्थ ये थी। परिवार की तरफ से सपोर्ट की कमी रहेगी, इसके आपको उपाय दूंगा। सूर्यदेव के उपाय दूंगा। भाग्य रेखा मजबूत नहीं है, इसके आपको उपाय दूंगा। भाग्य रेखा खत्म हो गई है तो भावे फाइनेंशियल तंगी का सामना को करना पड़ सकता है, इसके आपको उपाय देने की सख्त जरूरत है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको कुछ सारे सहूलियत जब मिल जाएंगे, इसके बाद भी आपको कोई सवाल रह जाए तो आप मुझसे पर्सनली व्हाट्सएप पूछना। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।